तो हमने उसको विद इन लाइक 12 hours सॉल्व किया उस केस को. आई यूज टू गो लाइक 4 or 5 इन द मॉर्निंग, चिलिंग सर्दी में, मतलब ठटरते हुए पहुँचते थे वो मोर. और उसमें फिर बहुत ज़्यादा ये था जो टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन से लेके होटल आए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा नया बंदा आके रजिस्टर हुआ है उस इलाके में. एक एक चीज़ वॉज ऑन द पेपर हमारे पास मौजूद थी. मैंने बिल्कुल इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो 3 बहुत बड़े ब्लास्ट हुए थे जिसके अंदर वी लॉस्ट आवर ऑफिसर्स एज वेल. सडनली वन नाइट माई फादर पास्ड अवे. आई नेवर थॉट ऑफ CSS बिफोर दैट. My name is Dr. Anush Masood and I'm a gold medalist in MBBS and I joined Police Service of Pakistan in 2012 after a CSS examination and I belong to Lahore. I was born and brought up in Lahore and my grandfather migrated from Amritsar. I had good memories from my childhood. I was very close to my father, mother as well, but I was like the youngest, being the youngest child. I was most ladla bachcha of the house, yet so focused and studies ke bare mein bahut conscious. Right from the beginning, I think I can recall ke 5-6 years onward, I just had that in my mind, doctor banna hai. Anybody asked me ke kya banna hai, bade ke doctor. Yehi jawab tha mera hamesha. Koi aur plan nahi tha usse pehle. It was from like 2003-04 onwards, like 5 years ka wo, and then 1 year medical house job. When you go to the medical college, aapke din raat ka pata nahi hota tha. Main mujhe yaad hai ki sote the raat subah 2 baje soye 4 baje uth gaye. Literally that was the routine we had when we were in medical college. Aur सही सही रात जाके पढ़ना, ड्यूरिंग द लेक्चर सो जाना. फिर हाउस जॉब में प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई. आई गॉट माय फर्स्ट पे. दैट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड यू नो आई केम होम एंड आई वाज लाइक आई गॉट माय फर्स्ट पे एंड दैट वाज प्रोबब्ली वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी. एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फादर सेड ओके अब आपको पॉकेट मनी तो नहीं चाहिए ना. एंड आई सेड नो 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 दिस इज ये बहुत मीगर अमाउंट है, यहाँ पर रख लें, मेरी पॉकेट मनी मुझे दें. याद आती है जब वो चीज़ें तो भी सोचते हैं कि अच्छा वो दिन इस तरह था जब फर्स्ट डे आपको अपनी पे मिलती है. माई सिस्टर, माई ब्रदर, एवरी वन वॉज अब्रॉड एंड आई वॉज द ओनली चाइल्ड विद माई पेरेंट्स एंड आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर USMLE. आई हैड टू गो टू US एज वेल. सडनली वन नाइट माई फादर पास्ड अवे. I never thought of CSS before that. And after my father passed away, my mother was alone here. Us waqt decide kiya ki acha nahi fir Pakistan nahi chhodna. I'm not going to leave my country and my father was so, you know, deep rooted here. And hamesha wo kehte the nahi nahi Pakistan apna mulk apna mulk hai. Aur fir uske baad fir socha ki CSS karna hai. Exam dene tak first choice nahi pata thi kya rakhungi. एग्ज़ाम दे दिया. मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग फोर्सेस में हैं तो यूनिफॉर्म ऑलवेज यू नो ये लगता था जैसे पार्ट ऑफ मी है समवेयर इन माय हार्ट. इट वाज पार्ट ऑफ मी द यूनिफॉर्म. सो दैट्स द रीज़न कि मैंने PSP अपनी फर्स्ट चॉइस रखी थी. और उस वक्त भी जो पैनल था इंटरव्यू का, उस वक्त थे चेयरमैन भगवान दास एंड ही वॉज वेरी, उन्होंने मुझे बड़ा ग्रिल किया लाइवा में क्यों रखनी है पुलिस सर्विस. मुझे लग रहा एक टाइम पे मुझे लगा कि ओ आई वॉन्ट बी एबल टू कन्विंस हिम के पहले किसी ने सर फर्स्ट चॉइस रखी नहीं थी किसी फीमेल ने. एंड देन ही सेड व्हाई यू वांट टू जॉइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान इफ गिवन चांस. फिर देन वी हैड अ लॉट ऑफ डिबेट. इट इज़ वेरी क्लोज टू मेडिकल प्रोफेशन एज वेल. समबडी कम्स टू यू विच हु इज अग्रीव्ड एंड यू कैन इफ यू कैन हेल्प दैट पर्सन, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई है नहीं है. सो मुझे ये हमेशा लगा कि सब इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू गिव रिलीफ टू पीपल.
And when I told this, so he smiled, and then I still remember he just got up from the chair. He took a round of the room, and I was like, "What is he doing?" And then he came and sat back on the seat and said, "But aap dekhe na ki is tarah hoga aur aap kaise karengi management?" I said, "Sir, dekhein. Only passion can beat the best logic." And then he was like blown away. The result aaya, but we saw it on the internet, of course. मेरी 34th पोजीशन थी पाकिस्तान में. मुझे किसी फ्रेंड की कॉल आई और उसने बताया. मैंने कहा अच्छा, कहते हैं डॉक्टर साहिबा आप तो एक्साइटेड नहीं. मैंने कहा नहीं ठीक है, आई मीन ओके फाइन. एंड देन आई जस्ट टोल्ड माई फैमिली. अच्छा, उनको मेरी फर्स्ट चॉइस का इतना ज़्यादा पता नहीं था उस वक्त. एंड दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर देम एज वेल. माई मदर वॉज बिट स्केप्टिक, कैसे होगा ये. उस वक्त फिर एक और नई डिबेट शुरू हो गई. Then obviously they said, "Inshallah, you will be able to handle this." It was 6 months, and बड़े rigorous थे, और हर part से लोग आए हुए थे, Sindh से, Balochistan से, और KPK से, all the cultures together. It was very homogeneous kind of environment. Then we used to have cultural nights. उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल हमें शायद नहीं पता थी दूसरे की. वी गॉट टू नो ईच अदर सो वेल, एंड इट वॉज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल द प्रोविंसेस. बड़ा अच्छा एक ब्लेंड हुआ. हेक्टिक भी था बिकॉज सुबह सुबह हमने जाना होता था कि लेक्चर अटेंड करने, और वहाँ बायोमेट्रिक होती थी. वो फिज़िकल एक्टिविटी भी होती थी हमारी शाम में, जिससे हम बहुत भागते थे सारे क्योंकि बहुत थके होते थे. और लेकिन इट वॉज़ फन तो, बिकॉज वहाँ पर स्पोर्ट्स थी. मुझे स्पोर्ट्स में शुरू से इंटरेस्ट था, वो एक अच्छा पार्ट साथ में. मुझे इंटरेस्ट हमेशा स्पोर्ट्स में रहा है. फिर शाम में, रात में, फिर पढ़ना, सुबह के लिए पढ़ना. एकेडमी की लाइब्रेरी दो दो घंटे ओपन रखवानी, कि नहीं नहीं अभी हमने नहीं जाना, बुक्स पढ़ के खोल के पढ़ रहे हैं. उसके बाद 6 मंथ्स के बाद हम नेशनल पुलिस एकेडमी गए. उसके भी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स से 9 मंथ्स के दौरान, और वो ट्रेनिंग करनी होती है, ये लॉ का पढ़ना होता है. फिर उसके बाद यूटीशिप करने के बाद फिर आपकी पासिंग आउट होती है. वंस यू आर पास्ड आउट तो फिर आपको लगता है कि अब आप थोड़े थोड़े अफसर बन गए हैं. और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पोस्टिंग शुरू हो जाती हैं, तो प्रैक्टिकल पुलिसिंग देखने शुरू की. फिर लग पता गया, घर से ज़्यादा दूर होने से ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी था, क्योंकि ना मदर से दूर बड़े मेरे लिए वो एक चीज़ थी कि मदर से दूर रहना. बस फिर मैं हर वीकेंड लाजमी लाहौर जाती होती थी. तो बस उसके बाद फिर जल्दी से जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई, ये अल्लाह अल्लाह करके, तो उससे सोचा है. फिर यहाँ वापस आए तो बड़ा फिर बेहतर फील किया. KPK में भी पोस्टिंग की मैंने. आई वॉज द फर्स्ट एवर फीमेल ESP पोस्टेड इन KPK. सो बट आई वुड टेल यू, अब एक्सपीरियंस वाइज हालांकि कल्चर हमारा बड़ा फ़र्क है, बट दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल. मुझे ये लगता था कि फीमेल्स के लिए वहाँ डिफ़िकल्ट है, बट टू बी ऑनेस्ट बड़े अच्छे लोग हैं वो. ये बिल्कुल सोच जो मेरे जहन में थी कि पता नहीं एज फीमेल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे या कुछ, ऐसा नहीं था. दे वर क्वाइट रिसेप्टिव और बड़े कोऑपरेटिव और बड़ा बहुत ख्याल रखने वाले. मुझे वहाँ का स्टाफ अभी भी याद आता है कि वो बड़ा ख्याल रखते थे. दे वर वेरी वरीड अबाउट मी. ये लाहौर में भी मैंने ज्वाइन किया 16 में, तो तब भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स थे. यहाँ मेरे दोनों का ब्लेंड था. देर वॉज़ अ फैक्ट्री एरिया टाइप और फिर एक डिफेंस वाली साइड. जब ज्वाइन किया तो यही था कि बड़ी स्लिपरी पिच है लाहौर की. ओवरऑल ही आपको पता है फास्ट पेस है, तो पहले पहले डर लग रहा था कैसे होगा, यू नो. बट वंस यू जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स, और जब आप चीज़ों को देखने लगते हैं अच्छे तरीके से कि इधर, क्योंकि आपको पता है डिफेंस में ज़्यादातर यही होता है कि एक एंटायरली डिफरेंट क्लास, जिसमें बहुत सारे कल्चरल वो किसी कहते हैं सिफारिशों से लेके, और हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. सिफारिश मीन्स यही है ना कि जी ये ऐसी चीज़ है, ये फलां का बेटा है, ये फलां की बेटी है, इसको ऐसे करना है, देख लें,
एंड हैंडलिंग ऑल दोज थिंग्स, कि मैरिट भी इंश्योर करना है और चीज़ों को भी हैंडल करना है, यू नो डीलिंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल. और एक तरफ ये था कि चुंगी अमर सद्दू जैसी जगह पर जहाँ पे एकदम ब्लॉक हो गया, मेट्रो बंद कर देंगे एंड यू आप वहाँ पे बैठे खड़े 2000 बंदे को देख रहे हैं कि यार हटो यहाँ से, कैसे बात करनी है इनसे. इन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. आई स्टिल रिमेंबर वी यूज टू सेट इन वन ऑफिस एंड इन होल लाहौर पुलिस इज सिटिंग एंड यू नो वी आर डिस्कसिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू हैंडल दीज पीपल, इनसे बातचीत कैसे करनी है. बिकॉज एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी गवर्नमेंट का भी, और क्योंकि ये चीज़ें यू नो ट्रिकल डाउन होती हैं, उनका भी यही था कि निगोसिएशन बातचीत से मामला हल किए जाएँ, इसलिए कभी कोई वायलेंस नहीं हुआ है उस पर. फिर हमारे ब्लाइंड एसोसिएशन की चीज़ें भी बहुत आपको याद होगा, नाबीना बहुत धरने दे रहे थे उस टाइम पर. मैंने बिल्कुल इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो 3 बहुत बड़े ब्लास्ट हुए थे जिसके अंदर वी लॉस्ट आवर ऑफिसर्स एज वेल. ये एक ब्लास्ट हुआ था फैसल चौक में. आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस एंड आई रेड द स्लाइड ऑन टीवी कि ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि उस वक्त चूँकि हो रहे थे तो जिसकी इंटेंसिटी का आइडिया एकदम. फिर मुझे पड़ा DIG मुबीन शहीद, SSP गोंदल शहीद. Is going on. We were like shocked and so on. We lost many other officers as well, junior ranks. और फिर वो एक पूरा इसी transition सी लग रही थी life में कि उनके funerals attend करना, उनकी families से मिलना and consoling them. And लगता था कि कोई चीज़ console नहीं कर सकती इस चीज़ को, मतलब. और अभी भी हम उनके जब वो दिन आता है तो हम उनकी जाते हैं, घर वालों को मिलते हैं. एंड देन सीरियसली अगर मैं आपको बताऊँ, उस वक्त पता नहीं होता था कि हमारे जो उस वक्त सीनियर्स थे और हम सब ऐसे निकलते थे घर से कि जैसे पता नहीं वापसी होनी है कि नहीं होनी. वो तो हमेशा ही हर रोज़ होता है, लेकिन वो एक अलग फेज़ था, बड़ा ट्रोमेटिक था. और उसके बाद एक जेड ब्लॉक में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बट चूंकि वो सैसल चौक वाले में हमारे बहुत सारे ऑफिसर शहीद हुए, वो बहुत ट्रोमेटिक था. सो इफ़ यू थिंक लॉजिकली यू कैन नेवर डू दिस जॉब. आपको ये जज्बे से ही करना होता है. एक सिपाही, हम सब सिपाही हैं, एक सिपाही को अगर कोई चीज़ चला सकती है उसको चीज़, इफ़ समथिंग कैन यू नो कैन कीप द सोल्जर गोइंग ऑन इज जस्ट हिज और हर पैशन, नथिंग एल्स. PSL got revived and it was a big challenge for whole Lahore police and we were like on toes. उस वक्त बहुत थ्रेट था, उस वक्त तो एक्टिवली ब्लास्ट हो रहे थे. सो उस टाइम पर बहुत दफ़ा ये वी द गवर्नमेंट वेंट बैक एंड फोर्थ कि कराना है भी है PSL या नहीं कराना. बट देन लाहौर पुलिस टुक लीप ऑफ फेथ, आई मस्ट से, कि उन हालात में सक्सेसफुली PSL करवाना और उसको रिवाइव करना क्रिकेट को लाहौर में, आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट था लाहौर पुलिस के पार्ट पे. अब तो चीज़ें कुछ फॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि प्लान्स बन चुके हैं, सिक्योरिटी प्लान्स बन चुके हैं. उस वक्त एक नया स्टार्ट था और हम लोग दिन रात इसी काम लगे हुए थे, सर्चिंग, सर्च ऑपरेशंस, कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो रहे थे. आई यूज्ड टू गो लाइक 4 or 5 इन द मॉर्निंग, चिल्लिंग सर्दी में, मतलब ठटरते हुए पहुंचते थे वो मोर्ग. और उसमें फिर बहुत ज़्यादा ये था जो टेनेंट्स रजिस्ट्रेशन से लेके होटल आए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा नया बंदा आके रजिस्टर हुआ है उस इलाके में, एक एक चीज़ वॉज ऑन द पेपर हमारे पास मौजूद थी. उस वक्त ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस हुआ कि ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्रोटेक्शन कैसे होनी है, टीम्स ने मूव कैसे करना है. और फिर उसके बाद मेरा जब फर्स्ट मैच यहाँ पे PSL हुआ और मैं अंदर स्टेडियम में देखने गई, माई हार्ट बीट वॉज लाइक, यू नो, माई हार्ट वॉज बीटिंग लाइक दिस, ओह माई गॉड. एंड आई वॉज प्रेइंग कि गॉड सब ठीक रहे, यू नो, अल्लाह ताला से यही थी दुआ कि सब ठीक रहे. लेकिन हम सबकी मुझे लगता है हार्ट बीट्स तेज़ होती थी उस वक्त जब मैच ख़त्म होता था, फिर हम शुक्र करते थे अल्लाह ताला का. जैसे मैंने PSL की बात की, इसी दौरान एक केस हुआ और वो था एसिड थ्रोइंग का. मुझे कॉल आती है कि एक लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया किसी ने, कल्प्रिट भाग गया, नो क्लू. ओके, एंड साइड बाय साइड PSL चल रहा है, यू आर सो इंट्रेंच्ड इन PSL. एंड आई मेट दैट गर्ल इन जिन्ना हॉस्पिटल बर्न सेंटर में. आई गॉट सो इमोशनल व्हेन शी सेड मुझे इंसाफ चाहिए, क्या आप मुझे इंसाफ दिला सकती हैं. And I was like,
एंड सर यस आई विल मेरे बस में जो मैं करूँगी और आपको इंसाफ मिल दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगी, मेरा वादा है. वी हैड वेरी लिटल टाइम उस कल्प्रिट के भागने से पहले, वो कहाँ चला जाएगा एंड लाहौर से बाय. देन वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कितने घंटे हुए हैं, किस टाइम पर इंसिडेंट हुआ, कौन सा कैमरा था, किधर था. करते करते पता चला कि उस लड़की से किसी से कुछ शादी करना चाहता था, उससे इनकार किया था. मैंने कहा मुझे उसका जल्दी से नाम पता बताओ. पता किया घर में नहीं है, भागा हुआ है. अब समझ नहीं आई थी क्या करेंगे. देन वी जस्ट स्टार्टेड ट्रैकिंग. हमने चेक कराया तो पॉसिबिलिटी नज़र आई कि चार जगहों पे ये जा सकता है. इट वॉज विहाड़ी, इट वॉज शकरगढ़, इट वॉज वो जो दो चार बसेज उस टाइम पे निकली थी. आई मेड फोर टीम्स, जाओ पीछे जाना है, ये बंदा है, फ़ोन बंद है. ई हैड नो क्लू. अल्लाह के भरोसे और साथ अपनी जो मेहनत है लगे हुए हैं हम. करते कराते वो एक जगह पे हमें मुजफ्फरगढ़ की समय लगी कि ये बंदा गया है. अच्छा जी मुजफ्फरगढ़ गया है, वहाँ पहुँचे, आया था बट यहाँ पे चला गया है. ना यू नो करते करते पता चला कि थोड़ा सा इनके साथ कहीं रबता फैमिली का किसी वडेरे के साथ रहा है. आई मेड कॉन्टैक्ट विद दैट वडेरा एट दैट टाइम. मैंने सर देखें ये बंदा तो मुझे चाहिए और इस पर कोई बार्गेन नहीं हो सकती. ही वॉज क्वाइट लाइक मैं फलां से बात कर लेता हूँ, मैं फलां से बात कर लेता हूँ. मैंने कहा आप जिस मर्जी से बात कर लें, ये बंदा तो मुझे चाहिए है. ही इज़ नॉट गोना बी स्पेयर्ड. देन दैट वडेरा ब्रॉट हिम जहाँ पे वो उसकी जगह थी. वो उसको उसने कहीं छुपाया हुआ था, वो एजेंसी जा रहा था, बाजोड़ एजेंसी निकलना था उसने. उसको अपने घर पे ले आया. अच्छा आप अपने घर पे, उसके घर पे तो रेड करना आप भूल जाएं क्या, वो रेड क्या करनी है. उन्होंने फिर हैंड ओवर किया मेरी टीम को, मेरी टीम लेके यहाँ पहुँची. तो समझ लें विद इन 48 आवर्स उस बंदे को हमने क्लोज कर लिया. एंड देन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड. और उसमें उस पूरी केस फाइल को मैंने खुद तैयार कराया था. मोस्टली आपको पता है एसपी लेवल पे हर केस फाइल तैयार नहीं कराई जा सकती. एंड इट वाज द स्पीडियस्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ एटीसी. एंड द जज वाज, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, मैडम आपने ये केस फाइल तैयार कराई है, मैं देख रहा हूँ, एंड आई मस्ट अप्लॉड यू कि मुझे इसमें डेट देनी नहीं पड़ी क्योंकि बिकॉज देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टिगेशन. इसको 6 महीने भी लग सकते थे, इसको महीना भी लगना था. महीने में ये केस कंक्लूड हो गया, उसको सज़ा हो गई. उसको 2 दफ़ा 25 साल की सज़ा हुई उम्र कैद, और उसको दियत देनी पड़ी, और उसके अलावा उसको 10 साल जो उसकी शी लॉस्ट हर आइज, सो उम्र कैद. सो दिस केस वॉज वेरी लाइक स्टिल आई रिमेंबर हाउ आई वर्क ऑन दिस केस अमंग अदर केसेज, बट दिस वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट स्टिल. एक दिन रात को कॉल आती है 10 बजे, मैडम ट्रिपल मर्डर हो गया है, ड्यूरिंग डकैती हो गया. दैट्स अ लाइक ह्यूज थिंग इन लाहौर जैसे शहर में, ड्यूरिंग डकैती आपके 3 बंदे मार दिए. इधर जी कॉलें आ रही हैं, सीएम ने नोटिस ले लिया है. मैंने कहा अच्छा भाई टाइम तो दें, 2 मिनट मुझे क्राइम सीन तो देखने दें. क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, रश लगा हुआ है घर के बाहर, 3 बंदे कत्ल हो गए एक घर की, 2 खवातीन और 1 बच्चा. रूम्स के ड्रॉर्स खुले हुए हैं. ये आई वॉज समथिंग इज़ ऑफ. ओके ये एक लाश इधर पड़ी है, एक लाश इधर पड़ी है, बच्चे की लाश इधर पड़ी है. एंड आई जस्ट सॉ द ब्लड ऑन स्टेयर्स. ये स्टेयर्स पे ब्लड, मैंने अपनी टीम के बंदे को कहा चलो ऊपर चल के देखते हैं. ब्लड गिरता गिरता आगे भी पड़ा हुआ, ऊपर छत तक गया हुआ. ठीक ब्लड है तो इसका मतलब ये जख्मी हुआ होगा बंदा खुद भी. मैं केम डाउन स्टेयर्स, बनी कि आला कत्ल क्या है. आला कत्ल छुरी था. डजेंट मेक एनी सेंस. मैंने कहा ये छुरी से क्यों मारेगा, अगर आप डकैती करने आए तो छुरी तो नहीं लेके आएगा. अच्छा छुरी, मेरे को छुरी दिखाओ. छुरी देखी तो वो छुरी भी सब्जी काटने वाली छुरी. जस्ट क्लिक्ड. एक चीज़ को देखते ही पता लगता है कि इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन. इट वॉजेंट लाइक कि किसी डकैती के दौरान, वो और चीज़ होती है. सडनली जस्ट आई फेल्ट कि इस खातून का फ़ोन कहाँ है, फ़ोन नहीं मिल रहा. अच्छा मिला तो हमने देखा वो 6 पासवर्ड लगे हुए. मैंने कहा एक घरेलू खातून के फ़ोन पे 6 पासवर्ड क्यों लगे हुए हैं. आई डिडंट गेट इट. ये दिस इज़ नॉट डकैती, दिस इज़ समबडी हु न्यू द हाउस.
और उस पर करते करते मैंने कहा चले हम इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, ये बंदा ज़ख्मी हुआ है और ये ट्रीटमेंट कराने जाएगा क्योंकि इसको ऊपर तक ब्लड लगा हुआ था। मैंने कहा भागा तो यही है यहाँ पे। मैंने यही कहा अपनी टीम को कि ढूंढो साथ वाले घरों में करीब करीब कहीं कोई डिस्पेंसरी कोई चीज़ हॉस्पिटल्स में जाओ। भेजा हॉस्पिटल्स में तो एक घर के करीब वाले डिस्पेंसरी से रात को 2 बजे मुझे कॉल आती है, मैडम एक डिस्पेंसरी में एक बंदे की ट्रीटमेंट हुई है। मैंने कहा सर डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट हुई है? सर वो ज़्यादा ज़ख्मी था, वो तो पता ही था हमें ब्लड इतना गिरा है तो उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया है। उसने कहा मैं यहाँ माई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके, उसको नाम पता? नहीं जी नहीं पता नाम पता। मैंने कहा जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पहुँच जाओ। दो दो तीन तीन बंदे मैंने हर हॉस्पिटल में भेज दिए। आई हैड बीन अप होल नाइट, 4 बजे के करीब 4:15 बजे कॉल आती है, मैडम एक बंदा है जिसकी सर्विसेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई है, उसका अंगूठा कटा है, पहुँचो और मुझे उसकी डिटेल दो। वहाँ से हमें डिटेल मिली। अब रात के बज रहे थे, 5 बज रहे थे सुबह के, तो कहते मैडम सुबह कर लें कि अभी रेड? मैंने कहा अभी रेड करोगे तुम, अभी जाओ अभी जाओ। मैंने आई ऑल्सो लेफ्ट द हाउस और मैंने कहा तुम पहुँचो मैं अभी आ रही हूँ। उस जगह पहुँचे तो वो बंदा जो है वो अपनी पट्टी वट्टी करा के वहाँ पड़ा हुआ था और उसे दुबई निकलना था सुबह। तो ये पहुँचे हैं, साथ मैं भी पहुँच गई हूँ। उसको देखा तो जी मैं तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा तुम्हारा जो भी है उठवा चलो चलो चले चलते हैं। ले गए उसको, फिर उसको पूछा, मान नहीं रहा था। देन ही टोल्ड अस व्हाट हैपेंड। ही हैड फ्रेंडशिप विद दैट वुमन एंड उसको घर आना जाना था वहाँ पे, उस दिन को लड़ाई हुई है। उसने कहा कि मैं ये बात खोल दूँगा, समथिंग लाइक दैट। इसने पहले उस औरत को मारा है, वो फिर सास थी उसकी उसको मारा है, बच्चे ने चूंकि उसको देख लिया था मारते हुए तो बच्चे को भी मार दिया। फिर मुझे सुबह 11 बजे कॉल आई थी इस बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कहा नहीं हम सॉल्व भी कर चुके हैं केस। तो हमने उसको विद इन लाइक 12 आवर्स सॉल्व किया उस केस को, और वो बड़ा टाइम था, वो एक टाइम फ्रेम था जिसमें वरना वो चला जाता हमें पता ना चलता उसकी चीज़ें ये वो, तो बड़ा क्लियरली चीज़ सामने आ गई और 3 मर्डर्स जो थे वो सॉल्व हो गए उसी वक्त। नाइन्थ में वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, द इवेंट्स विच हैपन्ड ऑन नाइन्थ में वर एब्सोल्यूटली डेवस्टेटिंग फॉर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज वी यूज टू थिंक दैट आर्मी इंस्टलेशन आर सेफ एंड दे आर द सेफेस्ट वंस। इफ दे कैन बी अटैक्ड लाइक दिस देन नथिंग इज सेफ इन हियर। वी डिड नॉट प्रिडिक्ट दैट दिस मॉब विल बी सो वायलेंट। आर 53 police officials are injured, some of them lost their limbs. Whoever had been involved in these activities of 9th May, they will not be spared. They will have to face the law. But ye bhi hai ki jitna jiska jo role hoga uske mutabik usko attribution hogi, usko saza milegi. One should be sure about this ki kisi ke sath zyadti nahi hogi. हमारी तरफ से ये कोशिश है कि जो जिसका जितना रोल बनता होगा उसी के मुताबिक उसकी तरफ सेक्शन ऑफ लॉ अट्रैक्ट होगा, किसी को भी नाजायज़ या हद से ज़्यादा या उसके किए हुए से ज़्यादा की सज़ा ना दी जाए। हम पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखिए मैंने जब ये ज्वाइन किया तो बहुत ज़्यादा ये था कि ये चलानिंग नहीं हो रही, अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस बहुत पड़े हुए हैं बहुत अरसे से और उसका कोई डिस्पोजल नहीं हो रहा। तो इसमें मुझे ये लगा कि हमारे फोकस की कमी है बहुत ज़्यादा। इफ़ वी जस्ट हम किसी एक तरफ से फोकस कर लेते तो वी कैन अचीव आवर टारगेट। यू नो आई वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट क्राइम फाइटर और मेरी फर्स्ट पोजिशन आई लाहौर में कि जिसमें चलानिंग POs की अरेस्ट और गैंग्स को पकड़ने का रेशो बहुत सबसे टॉप पे था। मेरा एजेंडा क्या था? फोकस्ड वर्क, उसको हम करें तो मैं समझती हूँ रिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अगर उसको अच्छी तरह फॉलो कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत बेटर हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।